और जब सुबह आप घर से निकलते हैं तो क्या परिवार को चिंता नहीं होती कि शाम को क्या पता कोरोना घर लेकर आ जाए बस एक है माँ बाप भूखे सो सकते हैं बच्चा भूखा कभी नहीं सोएगा तो हमको फंड कर रहे हैं एक सोशल मीडिया के कारण हमको फंड दे रहे हैं हम भी उनको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपका पैसा हमने कहाँ लिया और कहाँ लगाया जैसे मैं डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया स्कूल जहाँ स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन कोरोना महामारी की जंग जब से छिड़ी है तब से लेकर अभी तक कई लोग ऐसे हैं कई स्वयंसेवी संस्थाएं ऐसी हैं भामाशा ऐसे हैं जो लोगों को इस वक्त मदद कर रहे हैं कई असहाय और गरीब लोग हैं कई मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनके घरों में राशन की इस वक्त बहुत कमी है और ऐसे लोगों तक राशन पहुंचाने का काम कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं और भामाशाह इस वक्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के अंदर सभी अधिकारियों को और भामाशाहों से यह अपील की थी कि किसी भी घर के अंदर किसी प्रकार से राशन की कमी ना हो राजस्थान के भामाशाह और स्वयंसेवी संस्था आगे आए और ऐसे लोगों को मदद करें तो उसी कड़ी में आज लगातार जब से भामाशाह जो कोरोना महामारी है चल रही है और आज भी कायम है लॉकडाउन जो है वो चौदह अप्रैल तक बना हुआ है और उसी के मद्देनज़र कई लोगों के घर में राशन नहीं है लेकिन इस वक्त आशीष सोनी है, है हमारे साथ जो स्वयंसेवी संस्था चलाते हैं और लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर अभी तक देखिए आप राशन इस तरीके से बांट रहे हैं आटा है धनिया है मिर्ची है टमाटर है सब्जी भी है हरी सब्जी भी गाड़ी के अंदर है लौकी भी है इन सब जान लेते हैं कि कितने दिन से लगातार हो रहा है सबसे पहले आशीष ये बताइए कि कितने दिन से लगातार आप इस तरीके से राशन मुहैया करा रहे हैं लोगों को जब से लॉकडाउन चालू हुआ है जब से वो दिन और आज का दिन हम कंटिन्यू नॉन स्टॉप हमारी गाड़ी चल रही है मैं देख रहा था कुछ आपके कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या आपका टाइम ड्यूरेशन रहता है कब से शुरू हो जाते हैं आप बांटने और कितने लोग आप आप लोगों को राशन इस वक्त मुहैया करा रहे हैं हम प्रतिदिन 600 किलो 600 से 700 किलो आटा खपत मतलब कि पर ऐसा जमीन की परिवार तक पहुंचा रहे हैं हमारा है हर प्रति दो दिन का राशन देते हैं जैसे आप देख पाओगे खुला राशन हम कट्टे देने से कट्टा नहीं दे रहे हैं कट्टे में क्या हो रहा है कई ऐसे परिवार है गरीब परिवार है जिनमें दारू की आदत है कट्टा बेच के दारू पी रहे हैं और उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं तो हमने एक नियम शुरू से नियम लाना है खुला राशन दो ताकि बच्चे का पेट भर सके मेन हमारा उद्देश्य अजमेर शहर में कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोए इसलिए हमारी सुबह आठ बजे से गाड़ी निकलती रात को नौ दस जो भी जब तक हम जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं होता जब तक हम घर नहीं जाते हैं देखिए एम इंडिया की मुहिम है कि कोरोना की महामारी के दौरान ऐसे जो लोग हैं जो इस वक्त ग्राउंड पर सब कुछ महामारी के दौर के अंदर भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर मदद करने के लिए पहुँच रहे हैं ऐसे लोगों की तस्वीर हम दिखाएं ऐसे लोगों को प्रशासन सरकार तक पहुंचाएं वो जान पाएँ कि वाकई ग्राउंड पर जो है किस तरीके से मदद पहुंच रही है अच्छी जी एक बात और बताइए कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और जब सुबह आप घर से निकलते हैं तो क्या परिवार को चिंता नहीं होती कि शाम को क्या पता कोरोना घर लेकर आ जाए बिल्कुल परिवार को चिंता होती है कभी कभी बेटे को देख के भी चिंता होती है बेटी है मेरे एक बेटा है तो दर्द भी होता है कभी कभी क्या अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरा बच्चों का क्या होगा फिर भी दूसरी तरफ मेरे को बच्चे नज़र आते हैं जो रोड पर सोते हैं घर में सो रहे हैं भूखें तो ठीक है आज मेरे बच्चे भी हैं तो उनके भी बच्चे हैं तो हमारा प्रयास एक है मैं पिछले तीन साल से बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ मेरी संस्था का नाम एक उड़ान मासूमों के नाम है हम तीन भाई मकसूद भाई राजा भाई और आशीष हम तीनों कंटिन्यू जब से लॉकडाउन हुआ जब से कंटिन्यू हमारी नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है हमारा प्रयास एक है माँ बाप भूखे सो सकते हैं बच्चा भूखा कभी नहीं सोएगा तो हमारा प्रयास है बच्चों तक राशन पौधाए राशन बच्चों तक बच्चों के लिए हम हर मतलब कि कहीं भी उड़ानी तो मेरे पास कल पुष्कर से फ़ोन आया मैं पुष्कर पहुंच गया कभी केरियो की डानी से लाइक मतलब कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँच पाए जहाँ हकीकत में कोई नहीं पहुँच पा रहा हूँ एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लाइव आके लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है लोग आ रहे हैं ज़मीन पर आ रहे हैं जो नींद बामाशा है जो हमको हमको बामाशा फंड कर रहे हैं एक सोशल मीडिया के कारण हमको फंड दे रहे हैं हम भी उनको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपका पैसा हमने कहाँ लिया और कहाँ लगाया जैसे मैं परचेज करने जाता हूँ आटा तो मैं लाइव आता हूँ कि आपका पैसा हमने इतना एक किलो आटा लिया तो वहाँ लाइव आता हूँ पक्का बिल भी लेता हूँ बिल बनाने में कोई मेरे को कहता भईया आप बिल लेके दिखा सकते हो तो मैं आपको कह आप मेरे को दस हज़ार दो मैं आपको बीस हज़ार का बिल दे दूंगा तो बिल से काम नहीं होता मेरा है पारदर्शिता कार्य करना हम शुरू से लॉकडाउन से और आज तक पारदर्शिता कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे कई लोगों को हमने ऐसा देखा है जो स्वयं संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं कि ऐसे दौर में पारदर्शिता कहाँ रहेगी किस तरीके से आप लोग क्यों फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं क्यों इस तरीके से लोगों को दिखाते हैं कि आप आसार लोगों को राशन दे रहे हैं इसके इस पर आप क्या कहेंगे पहले तो वो क्या निठल्ले बैठे हैं घर में उनके पास कार्य तो है नहीं कुछ और कुछ ऐसे नेता है जो छुटपुट नेता है जो मतलब कि अपनी नेता ने, उनके क्या एक वो होता है ना चिकनागढ़ जिसे बोलते हैं तो कभी इधर कभी उधर उनका आदत है अब खुद तो सहम काम कर नहीं सकते हैं। और दूसरे के काम में अड़ंगा उठाना तो ऊपर वाला देख रहा है ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है आज अगर हम बंद हो गए अगर हमारे बामाशाह अगर हम हमारे बामाशाह हमको फंड देना बंद हो गया तो ऑफिसली हमारी गाड़ी रुकेगी हमारी गाड़ी रुकी तो बच्चे भूखे रहेंगे बच्चे भूखे रहेंगे तो बदुुआ किसको लगेगी ऐसे व्यक्तियों को भी लगेगी तो हमसे उनसे निवेदन करना चाहूँगा आप हमें कोऑपरेट नहीं कर सकते तो हमारा मनोबल भी मत तोड़ो आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप हमारा मनोबल तोड़ने से खैर मैं तो मनोबल मेरा नहीं तोड़ूंगा मैं जो कर रहा हूँ वर्क मेरा ऑलवेज़ करता रहूँगा जब तक मैंने वादा कराया चाहे मेरे को फंड आना बंद हो गया तो मेरे घर में कई चीज़ें हैं मैं उसको डाव पर लगा के भी बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा ये मैंने प्रॉमिस करा है और ये प्रॉमिस बिल्कुल काम कायम रहेगा अभी ये एक सूचना भी प्राप्त हुई है कि अजमेरी कलेक्टर ने एक आदेश निकाला जिसमें उन्होंने कहा जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं या भामाशाह जो हैं वो जब राशन वितरित कर रहे हैं या खाना दे रहे हैं तो उनको सेल्फी या फिर वहाँ से किसी प्रकार की फोटोग्राफी नहीं करनी है उस पर आप क्या कहेंगे मैं आदेश के लिए तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा लेकिन एक चीज़ है इससे चार सौ चालू हो जाएगी चार सौ बी सी इन आप हमको फंड दे रहे हैं हम हमारे यदि आपका पैसा हम आपको सार्वजनिक करें कि हम आपका पैसा हम कहाँ लगा रहे हैं अगर ये चीज़ बंद हो गई तो आप हमको पैसा दे रहे हो हम घर बैठे आपका पैसा खा रहे हैं आपको क्या पता हमने कहाँ कहाँ पैसा लगाया तो मेरे हिसाब से आप समझदार हो बाकी पब्लिक जानती है कि क्या सही है क्या गलत है अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली संस्थाएं कई ऐसी संस्थाएं हैं जो पैसा लेके घर में आराम करेगी खुद के बच्चों का पालन पोषण करेगी बाकी पर पर शायद कुछ संस्थाएं इसलिए भी खींचती हैं कि उनको रिकॉर्ड में रखना होता है दिखाना होता है ऐसा भी कुछ है बिल्कुल हमने हमारा बिल्कुल एक एक रुपये का रिकॉर्ड जैसे मैंने फेसबुक पर एक एक रुपये का पारदर्शिता वो वर्क करा है जैसे सुशील जी ने पैसा दिया था सुशील जी की तरफ से फला फुला बुला 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 आपने पैसा दिए तो पैसा हमको पारदर्शिता करना है मेरा बैंक बैलेंस मैंने प्रॉमिस करा है जब भी ये नॉर्मल होगा मेरा बैंक बैलेंस मेरा पेटीएम का बैलेंस मेरा गूगल पे गूगल पे फिर पे, सबका स्क्रीन शॉट मार के मैं कलेक्टर साहब के पास जाऊंगा, पूरा पारदर्शिता उनको मेरा अकाउंट बताऊंगा और पारदर्शिता बिल दूंगा कि मैंने अभी तक ये वर्क करा है मेरा लाइव आने का मेन मकसद ये था कि हम जो वर्क कर रहे हैं हम जो हमारे को जो भामाशाह फंड दे रहे हैं वो हम भामाशाह को और पब्लिक को बताएं कि आप जो पैसा दे रहे हो आपका सही जगह लग रहा है अगर ये बंद हो गया तो मेरे हिसाब से काला मतलब कि चार सौ चालू हो जाएगी कई संस्था ऐसी है जो खाली पैसे के लिए वर्क करती है मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा हालाँकि बट ये हंड्रेड डेफिनेटली चालू हो जाएगा और ये मेरे हिसाब से मेरा पर्सनली वकी बोल रहा हूँ ये गलत डिसीज़न है कोरोना योद्धाओं में यह स्वयंसेवी संस्थाएं भी आती हैं जो इस वक्त लोगों को ग्राउंड पर जाकर उनकी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करा रही है और ऐसे में जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है प्रदेश के तमाम तमामशाहओं से और स्वयंसेवी संस्थाओं से कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति इस वक्त भूखा नहीं रहना चाहिए तो उस, आ, उस कड़ी में यही लोग वो हैं जो इस वक्त अहम जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं क्योंकि सरकार की ओर से जो सुविधा जो व्यवस्था पहुँचनी थी उसमें बहुत देरी है लेकिन ग्राउंड के ऊपर ऐसी ही स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इस वक्त जाकर लोगों को इस तरीके से राशन की व्यवस्था उपलब्ध करा रही है और यही वो संस्थाएं हैं जिन्होंने एक उम्मीद की किरण ऐसे लोगों के बीच में जगाई है जिनके घर राशन नहीं है कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल एम इंडिया अजमेर